पतंजलि आयुर्वेद के मुखिया और योग गुरु बाबा रामदेव ने जनता से माफी मांगने का प्रस्ताव दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकीलों ने यह प्रस्ताव रखा। इसके बाद अदालत ने उन्हें एक सप्ताह का मौका दिया और अब अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की गई है। आपको बता दें, मंगलवार को सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, वकील का नाम सुनिए, मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम पब्लिक से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अब मामला क्या है, सुनिए ध्यान से। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दुख व्यक्त करना चाहते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि हमने दावा किया था कि हमारे पास कोरोना से निपटने की एक वैकल्पिक दवा भी है। मामला यही थी, कोरोना से निपटने की एक वैकल्पिक दवा भी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल जस्टिस हीमा कोहली ने हिंदी में ही बाबा रामदेव से पूछा, कौन से भाषा में, हिंदी में पूछा, आपने जो किया है कोर्ट के विरुद्ध किया है। क्या बोलती है, आपने जो किया है वो कोर्ट के विरुद्ध किया, क्या वह सही है। इसके जवाब में बाबा रामदेव ने कहा, जज साहिबा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस पर जस्टिस हीमा कोहली ने कहा कि हम आपके इस रवैये की बात कर रहे हैं। जजों ने इस दौरान बाबा रामदेव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलोपैथी पर सवाल उठाने पर भी आपत्ति जताई। इस दौरान जस्टिस हीमा कोहली ने कहा, आपको लगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच जाएंगे, हमारे देश में सब सभी का प्रयोग करते हैं, सिर्फ आयुर्वेद का नहीं। बेंच ने बाबा रामदेव के कोरोनिल दवा से कोरोना समाप्त होने के विज्ञापन को लेकर पूछा कि आखिरी एड कब जारी हुआ था। इस पर जवाब दिया गया कि फरवरी में ही आया था। फिर जजों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ जबकि आपको पहले ही चेतावनी दी गई थी। इस पर बाबा रामदेव ने कहा, हमें कानून की उतनी समझ नहीं है। बाबा रामदेव बोलते हैं, हमें कानून की उतनी समझ नहीं है, हम आगे से याद रखेंगे और ऐसी गलती कतई नहीं करेंगे। यही नहीं, इसी दौरान आचार्य बालकृष्ण ने भी माना कि यह गलती थी। उन्होंने आगे कहा कि कानूनन हमें नहीं करना चाहिए था। इस पर जस्टिस अमातुल्ला ने कहा, आप किसी दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते, कैसे आप किसी दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर बाबा रामदेव ने अपनी जो भी चीज़ थी वो कोर्ट के सामने रखी, माफ़ी मांगी। अब कोर्ट डिसाइड करेगा, ये कोर्ट के हाथों में है कि कोर्ट उन्हें माफ़ी देती है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।